नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और मेरे चैनल अंजलिस क्रिएशन में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए एक स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूं, स्टफ्ड कैप्सिकम भरवा शिमला मिर्ची। चलिए शुरू करते हैं। एक पैन में सबसे पहले मैंने यहां 1.5 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। पिंच ऑफ हींग, चुटकी भर हींग ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून जीरा। अब इधर मैंने 1 हरी मिर्ची, 1 इंच अदरक और 4-5 लहसुन लिए हैं और उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। इसे मिला देंगे। इधर मैंने 1/2 कप प्याज लिया है बारीक कटा हुआ। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये पक चुका है थोड़ा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर ड्राई मैंगो पाउडर, थोड़ी सी शुगर पिंच ऑफ। अभी सब मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें 2-3 मीडियम साइज के पोटैटो जो मैंने बॉईल करके मैश कर लिए थे वो ऐड करूंगी। आलू ऐड किए हैं उबले हुए 2-3 मीडियम साइज के। अब इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। गैस की लो मैंने धीमी ही रखी है। देखिए अच्छी तरह मिल चुका है। अब इसमें 1/2 कप ग्रेटेड पनीर ऐड कर रही हूँ मैं। अब इसे भी हम अच्छी तरह मिला लेंगे। देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा कटा हुआ कोरिएंडर कोथमीर ऐड कर रही हूँ। इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अभी इसे 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे धीमी आंच पे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, गैस बंद कर देंगे। सबसे पहले मैंने कैप्सिकम वॉश कर लिया है अच्छे से और उसको पोंछ लिया है। चलिए अभी कट करते हैं। मैंने इधर ग्रीन कैप्सिकम लिया है। आप कलरफुल बेल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो तो, वो भी सर्व करने में बहुत अच्छा दिखेगा। देखिए इसे इस तरह से कट कर लेंगे। इसके बीज अच्छी तरह से निकाल लेंगे सब। देखिए इस तरह से। अभी इसे इस तरह कट करेंगे। देखिए इसी तरह सारे शिमला मिर्ची कट कर लेंगे। चलिए अभी हम इसमें, हमने जो स्टफ्ड बनाया है भरावन जो हमने बनाया है वो इसमें डालेंगे अच्छे से। अच्छे से दबा के उसको डालेंगे इस तरह से। चलिए अभी शैलो फ्राई करेंगे। मैं इधर ऑयल ऐड कर रही हूँ। मैंने कोई मेज़रमेंट नहीं लिया है, कोई माप नहीं लिया है ऑयल का। देखिए ऑयल गर्म हो गया है। अभी शिमला मिर्ची हम उसमें धीरे से रखेंगे। गैस मैंने धीमी ही रखी है।
अब इसे ढक देंगे, अब बीच बीच में देखते रहेंगे उसको। देखिए ये पीछे से सिक चुका है बराबर। एक बार पलटाने के बाद अभी हम इसे, जब तक शिमला मिर्ची पूरी तरह नरम नहीं होता तब तक इसे धीमी आंच पर सेकेंगे, बीच बीच में देखते रहेंगे उसको। देखिए ये हो चुका है हमारा स्टफ्ड शिमला मिर्ची, भरवा शिमला मिर्ची रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगा। शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।